अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत और तंदरुस्ती दे। बाकी ये कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं लाजमी कमेंट करके बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है देश और विदेश से जहाँ से भी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो बाकी ये कि आप लोगों को पता है सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये बारिश वैसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाता, और मतलब तेज़ बारिश नहीं थी, हल्की बारिश थी, लेकिन लगातार सुबह से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो सारा दिन तो हम लोग रूम में थे, तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं। तो अम्मी बना रही हैं खाना, ऐसन को भेज दिया है जरी को लेने, तो मैंने सोचा कि अभी ये थोड़ा बहुत जो पानी जमा हुआ है ना सारा दिन हल्की हल्की बारिश की वजह से, तो अभी ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ना हम लोगों ने रखी हुई है मोटर, तो इस मोटर से ना हम लोग पानी निकाल देते हैं ताकि हाथों से ना निकालना पड़े। तो अभी मैं लगाने लगी हूँ मोटर, आ जाए लगाती हूँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ना जो तार है ना वो गीली ना हो, तार का बस ख्याल रखना है। अरे तार लगा लेते हैं, ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये मोटर है, इससे पानी निकल जाता है। पहले हाथों से पानी निकालना पड़ता था, बड़ी मुश्किल होती थी। ऐसे करूंगी, चलो ऐसी जगह पे रख देंगे ना जहां से पानी सारा इसके अंदर जाता रहे, जो सारा पानी है ना इसके अंदर ऐसे चला गया। कार को ना मैं ऊपर से गुजार लेती हूँ, कार ऊपर से इसलिए गुजार रही हूँ ताकि ना पानी में ना जाए। एक तो मेरा हाथ वहां तक बड़ी मुश्किल से जाएगा, अब इतने लंबे हाथ नहीं है मेरे, लंबे हाथों कानून के होते हैं। चलो ये हमारी आ गई तार, अब ना इसमें ये पाइप है, इस पाइप को ना मैं इस मोटर के साथ अटैच कर दूंगी। ठीक है, इससे सारा पानी खुद ही बाहर चला जाएगा जो थोड़ा बहुत जमा हुआ है ना। बल वगैरह निकाल लूं, इसको ना इसके ऊपर लगा दे, ऐसे करते हैं ऐसे। कभी कभी ना कार के अंदर भी अर्थ आ जाता है, इसका ख्याल रखना। पट्टे से पकड़ लेती हूँ ताकि ना देखा उस पार कर रही है इसको, जब भी हालांकि कपड़े से भी लगाए ना तब भी इसमें करंट आ जाता है, हल्का सा करंट ना हमेशा। तो बारिश होती रही ना तो सारी जमीन और दीवार गिरती है, क्या करूंगी उस पार कर रहे हैं। कोई चीज़ लेके आनी पड़ेगी मुझे सूखी, जिससे ला कर कुछ चेक करूँगी। ऑलरेडी मुझे थोड़ा सा ना करंट लग गया, कोई सूखी स्टिक वगैरह लेके आती हूँ उससे टच करके। मेरे पास असद वो तो भाग गया है, तो मुझे कोई स्टिक वगैरह तो नहीं मिली, ये पेंसिल मिली है मैंने, कहा प्लास्टिक की है और सूखी भी है, तो मैं इससे स्विच चलाने की कोशिश करती हूँ अगर चल जाए। और सुनाए, ये देख रहे हैं आप लोग स्विच की ना चल जाए यार, इसको चेंज करवाना है एक बार ना, मौसम अच्छा हो जाए ना। निकल जा निकल जा, ओए 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 पीछे से उतर गया, उधर से लगाया है तो इधर से बाहर आ गया, ये सही है, सही नहीं लगा था पानी बाहर आने लग गया, इसको पहले लगा लेते हैं अच्छे से। चलो भाई फिर रात की निकल ली, इसको लगाते हैं।
अच्छा ये ना आप देख रहे हैं, ये पाइप से ना पानी निकलना शुरू हो गया है। शुक्र है। ओए रुक जा नीचे मत यार, थोड़ा सा इधर करके रख देते हैं और आगे। चलो चलो जी, पानी तो अब निकल ही जाएगा। राजा ने तो आज सारा दिन पानी में नहा के ना, राजा बड़ा फ्रेश हो रहा है। कल तक गर्मी से इसका बुरा हाल था, मुंह से पानी आ रहा था। आज ठीक हो हैं? देख रहे हैं कैसे चमक रहा है नहा के राजा। तो राजा तो सेट है भाई, बाकी अल्लाह का बड़ा करम है। इतनी सी थोड़ी बहुत बारिश हो ना, फिर कुछ भी नहीं होता, मतलब कि पानी निकल जाता है और ज़्यादा मसला नहीं होता। तो जब ज़्यादा बारिश होती है फिर टेंशन होती है, बाकी अल्लाह का बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत भी अब काफ़ी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मेरा जो है ना दोपहर में भी आज हम लोगों ने मतलब हम तंदूर पे रोटियां वगैरह लगवाने भेजी, बारिश स्टार्ट हो गई, फिर हमें लकड़ियां तो हमारे पास थी नहीं, बड़ी मुश्किल से हमने दोपहर में भी खाना बनाया। तो अभी हम लोगों ने पता क्या किया, अभी हम लोगों ने ऐसे किया, मैंने ना जल्दी जल्दी आटा गूंद के ना ऐसन को डिब्बा छापे में डाल के दे दिया कि तुम जरी को लेने जा रहे हो शहर, तो उधर तो मोस्टली उनके पास गैस वाले तंदूर वगैरह होते हैं ना, तो वो रोटियां लगा देते हैं। तो हमने कहा कि तुम जा तो रहे हो, तो गैस वाले तंदूर से ना रोटियां लगवा के ले आना, कम से कम एक टेंशन तो ख़त्म हो। फिर अबू आ जाएंगे, अभी सालन बनाना स्टार्ट किया है, तो अबू आ जाते हैं फिर उनको होता है कि मैं जल्दी से बाहर चला जाऊँ, क्योंकि जानवर होते हैं बाहर, उनको फिक्र होती है। तो फिर इस वजह से ना इस अब जब आएंगे घरी लोग तो रोटियां भी पक जाएंगी साथ ही। तो अम्मी बना रही हैं खाना, अम्मी के पास चलते हैं। तो अम्मी ने ना अच्छा एक तो हमारे घर रोज़ होता ये है कि दोपहर में बनती है दाल और रात को बनते हैं आलू, डेली का ये हो गया, पता नहीं कोई और सब्ज़ी खाने को दिल भी नहीं करता और बन भी नहीं रही। दोपहर को रोज़ अम्मी कभी मूँगे की दाल, कभी चनों की दाल और कभी चने बना देती है। जब रात होती है तो कल आलू की मैं बना था, आज आलू अंडे बने हैं और कल फिर आलू के अंदर कुछ ना कुछ, मतलब आलू ही हमारे घर चल रहे हैं। अम्मी आलू सारे ना बना लें, आलू बाकी किसी दी बने ना बने आलूआं दी हर शहर ना बन जांदी है। आलू हर मेरे बाबा ना आज भी गए हुए थे, कल भी गए हुए थे कि ताकि मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा इंतज़ाम हो सके कि हम लोग ना कम से कम दो कमरे और किचन वगैरह बना लें, और ये बारिश की वजह से जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं ना इनसे हम लोगों को कुछ सुकून मिले। तो अल्लाह पाक मेरे बाबा की मदद करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इंसान तो बस नीयत ही करता है ना, अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, जब हम नीयत कर लेते हैं तो अल्लाह पाक रास्ते भी बना देता है, आसानियाँ पैदा कर देता है। तो आप सब लोग भी दुआ करना। उसके बाद ये कि आज मौसम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मतलब बारिश इतनी नहीं ना हुई इस वजह से ठंडा मौसम है। रात बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत गर्मी थी और रात हमारी लाइट भी ख़राब हो गई, सॉरी रात हम लोग इतना तंग हुए, तीन चार बार मेरे भाइयों ने जाके मीटर में से तार को खुद ही हिला रहे थे ये वो, फिर इलेक्ट्रीशियन को कॉल किया, अल्लाह उसका भला करे, उसने आके हमारी तार वगैरह जो है ठीक कर दी, फिर हमारी रात सुकून से गुजर गई। तो बाकी ये कि असद लोग ऐसा लोग अभी तक नहीं आए, मैं भी इस वजह से रोटियां उन्होंने लगवानी थी ना, अगर मौसम साफ़ होता ना तो अभी इतना फील नहीं होना था, लेकिन अभी बादल हैं तो इस वजह से लग रहा है, पता नहीं कितनी देर होगी अभी तक नहीं आए। खैर थोड़ी देर तक आ ही जाएंगे वो लोग। फिर से ना बाबा की आवाज़ भी आ रही है, अबू जी भी मुझे लगता है दूध लेके आ ही गए हैं। तो आप लोग कहते हैं पता नहीं आपके बाबा कहाँ चले गए, वो घर नहीं आते, घर नहीं आते, बाबा घर आते हैं, खाना खाते हैं, बस चले जाते हैं। आपको बताया था ना वो ज़्यादा घर पर नहीं रहते, डेरे पर ही सोते हैं, तो इस वजह से वो घर पर नहीं होते। तो बस वो आते हैं, खाना खाया, दोपहर में थोड़ी देर आते हैं तो वो सो जाते हैं, तो रात को आते हैं खाना खाते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं, तो ज़्यादा वो नहीं रहते घर पे। तो इस वजह से ना बस खाने के टाइम में होता है ऐसे ना। मेरी अब्बाजान भी आ गई तो दूध लेके आ गया, दूध वगैरह भी गर्म कर लेंगे टाइम से, ताकि मौसम ख़राब होने से पहले पहले हम लोग खाना वगैरह बना के फ्री हो जाएँ। प्यारे दोस्तों, अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आगे शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।